नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझते नहीं दिख रहा है। कल जैसे ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हरीश रावत के हवाले से कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस में जबरदस्त खेमेबंदी देखी गई। गुरुवार शाम को कैप्टन और सिद्धू ने अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और शाम होते होते हरीश रावत की भी सफाई सामने आ गई। रावत ने सफाई दी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, बल्कि ये कहा कि जो सुलह का फॉर्मूला होगा वह इसके इर्द गिर्द होगा। इस बीच हरीश रावत के आनन फानन में शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने की खबर भी है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। इस दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी पर जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कांग्रेस को फिर से जिंदा करें। हालांकि कांग्रेस समय समय पर राज्य के जिलों के दौरे करती रही हैं। सीए विरोध प्रदर्शनों के दौरान वो अकेली नेता थीं जो अलग अलग जिलों में जाकर प्रदर्शनकारियों से मिली थीं। इसके अलावा वे राज्य के पीड़ित परिवारों से मिलने जाती रही हैं। डोमिनिका में 52 दिनों की जेल काटने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह अब तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, लेकिन भारत की एजेंसियों द्वारा अमानवीय तरीके से अपहरण करने की कोशिश के बाद वह अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद आशंकित है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी ने एक ऑडियो शेयर कर कहा है कि मैं घर वापस आ गया हूं, लेकिन इस टॉर्चर ने मुझ पर मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से स्थायी चोट पहुंचाई है जो मैं भूल नहीं सकता। मेहुल ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सारा कारोबार बंद करके और मेरी सारी संपत्तियां जब्त करने के बाद भारतीय एजेंसियों द्वारा मुझे किडनैप करने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर की जमीन में कथित घोटाले के आरोप झेल रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ अब एक अन्य मामले में सिविल कोर्ट में केस दायर किया गया है। ये केस राम मंदिर जमीन से सटे फकीरे मंदिर की खरीद फरोख्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और संतोष दुबे ने दायर किया है। फकीरे मंदिर की जमीन को ट्रस्ट ने खरीद लिया था, जिसके बाद मुकदमा दायर कर ये मांग की गई है कि मंदिर को ना तोड़ा जाए और यहाँ भगवान को राग भोग और आरती पहले की तरह संचालित होती रहे। उनका कहना है कि मंदिर की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, इसका मालिकाना हक देवता के पास है। वहीं आज तक की खबर के अनुसार केस दायर करने वाले संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में बैठे सभी लोग बेलगाम हैं, वो पैसे के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। असम में हेमंत बिस्वा सरमा के सीएम बनने के बाद से ही अपराधियों को शूट करने की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं। इन सभी घटनाओं में कहानी एक जैसी है। अधिकतर में गिरफ्तार किया गया अपराधी उसी दिन भागने की कोशिश करता है, पुलिस की बंदूक को छीनने की कोशिश करता है और फिर पुलिस गोली चला देती है। शर्मा 10 मई को सीएम बने थे, तब से 23 लोगों को पुलिस हिरासत में गोली मारी जा चुकी है, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है। इनको मवेशी तस्करी, बलात्कार, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती जैसे अपराधों के लिए पकड़ा गया था। इसके अलावा पिछले 2 महीनों में मुठभेड़ में 10 अन्य उग्रवादियों को भी पुलिस ने मार गिराया है। विपक्ष द्वारा इसको लेकर शोर करने के बाद शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो इस तरीके के साथ खड़े हैं। मुंबई के एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान पर रखने का प्रस्ताव का विरोध कुछ कट्टरपंथी हिंदू कर रहे हैं। हिंदू जनजागृति समिति का कहना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी थे, क्रूर थे, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। ऐसे आदमी के नाम पर पार्क का नामकरण करने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। शाहीनाका इलाके में देवनार डंपिंग ग्राउंड के नजदीक 2 एकड़ का ये पार्क बहुत दिनों से उपेक्षित, गंदा और अतिक्रमण का शिकार था। इसे ठीक कराकर, इसकी सफाई कर इसे नया नाम देने की कोशिश की जा रही है। हिंदू जनजागृति समिति ने टीपू सुल्तान के नाम पर इसका नामकरण करने का विरोध किया। समिति के सदस्यों ने मुंबई की मेयर किशोरी पेंडेकर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और इस प्रस्ताव का विरोध किया है। गुरुवार को कीमतें बढ़ने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए से अधिक दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके कारण दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, मुंबई में 107 से अधिक हो चुकी है, कोलकाता में 102 के पार निकल चुकी है। ऐसा हाल ही बाकी शहरों का भी है। भारत में पिछले एक दिन में 38,949 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 542 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 4,12,000 से अधिक हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,30,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।